उत्तर प्रदेश के जनपद अमरोहा के थाना क्षेत्र डिडौली के गांव सोनाली हटवा मार्ग पर पुलिस और बदमाश के बीच हुई मुठभेड़ में अमरोहा पुलिस ने 25,000 का इनामी बदमाश को किया गिरफ्तार। बदमाश व पुलिसकर्मी को गोली लगने से दोनों हुए घायल, अस्पताल में चल रहा है उपचार। बता दें कि चेकिंग के दौरान पुलिस की बाइक सवार बदमाश से मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में 25,000 का इनामी बदमाश साजी पैर में गोली लगने से घायल हो गया। मुठभेड़ में सिपाही रोहित भी घायल हुआ है। दोनों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, जहां पर उनका उपचार चल रहा है। पकड़े गए बदमाश पर गौकसी, चोरी व अन्य समेत कई मामलों में 20 मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस पूरे मामले में कार्यवाही करने में लगी है। पूरा मामला अमरोहा जनपद के थाना ढिडौली क्षेत्र के गांव सोनाली हटवा मार्ग का है, जहां पर चेकिंग के दौरान एक संदिग्ध बाइक सवार चालक को रोका तो बदमाश ने पुलिस से बचने के लिए पुलिस पर फायरिंग कर दी और जंगल में भाग गया। जवाबी कार्यवाही करते हुए पुलिस ने बदमाश की घेराबंदी कर ली व पुलिस की बदमाश से मुठभेड़ हो गई। पुलिस द्वारा की गई जवाबी फायरिंग में बदमाश को पैर में गोली लग गई। बाइक सवार बदमाश को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया गया है। जवाबी कार्यवाही करते हुए सिपाही रोहित भी मुठभेड़ में घायल हो गया। घायल अवस्था में पुलिसकर्मी व बदमाश को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बदमाश से एक तमंचा, दो कारतूस और एक बाइक भी बरामद की गई है। पकड़े गए बदमाश पर गौकसी, चोरी व अन्य मामलों में 20 मुकदमे दर्ज हैं। बदमाश साजिद पुत्र बबलू गांव ढकिया शमन थाना क्षेत्र डिडौली का रहने वाला है। ये बदमाश टॉप 10 सूची का भी अपराधी है, जिस पर 25,000 का इनाम रखा हुआ था। पुलिस पूरे मामले में कार्यवाही करने में लगी है। पुलिस अधीक्षक अमरोहा श्रीमती पूनम ने मामले के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किए गए बदमाश के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर अग्रिम कार्यवाही की जा रही है। प्रथम टीवी न्यूज इंडिया के लिए जनपद अमरोहा से फारूक अली की रिपोर्ट। आज डिडौली थाना क्षेत्र में थाने की टीम और क्राइम ब्रांच की टीम की एक 25,000 के इनामी बदमाश साजिद, जो कि जिले का टॉप 10 अपराधियों में है और हिस्ट्री शीटर है, इस पर गोकसी चोरी के 20 मुकदमे टोटल पंजीकृत हैं, इसके साथ मुठभेड़ हुई है। इसके द्वारा पुलिस की टीम पर फायरिंग शुरू कर दी गई, जिस पर बचाव में पुलिस के द्वारा भी फायरिंग की गई। इसके पैर में गोली लगी है। मुठभेड़ में एक सिपाही भी घायल हुआ है। इसके पास से एक बाइक और तमंचा और कारतूस, खोखा कारतूस बरामद हुए हैं। अन्य कार्रवाई प्रचलित है।